अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीत ब्रॉड चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे से काम हम बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बजीत बर्ड की टाइप्स के हवाले से, यानी कि बजीत बर्ड की कितनी किस्में होती हैं, इसमें कितनी नस्लें होती हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे एक भाई ने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि भाई आप इस पर वीडियो बना दें व्हाट्सएप पर। तो उनका नाम तो खैर मैं नहीं जानता, लेकिन उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले बनाई है, लेकिन वो काफ़ी भाइयों को खैर शायद समझ नहीं आया भाई बर्ड म्यूटेशन और बर्ड की नस्लों पर। लेकिन आज ये बजीज की टाइप्स यानी ये बजीज की अकसाम पे के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ लग जाएगी। फ्रेंड्स, ये सामने आप देख रहे होंगे ये प्योर बजरी कहलाते हैं, आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है और इसके ऊपर जो डॉट्स वगैरह हैं आप यानी कि फुल ग्रीन और उसके ऊपर अगर ब्लैक डॉट्स होंगे जैसे इसके ऊपर बने हुए हैं, आप देखें डार्क ब्लैक डॉट्स हैं इसके पूरे पीछे बैक पे यानी कि इसकी पूरी कमर पे, तो ये इजीली आप देख पा रहे होंगे। दोनों ही बजरी हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे सा है। ये दोनों मेल हैं, ये प्योर बजरी हैं और फीमेल अंदर है। ग्रीन के ऊपर भी अगर ये आप देख सकते हैं, ग्रीन के ऊपर भी अगर फुल डॉट्स बने होंगे इस तरह के डार्क ब्लैक डॉट्स, तो वो भी प्योर बजरी होंगे। और ये फर्स्ट अकसाम हो गई बजरी की, ये प्योर बजरी हैं यानी कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ये प्योर बजरी हैं। इसके बाद आप आ जाएं, प्योर बजरी जब बच्चे देते हैं तो उसमें से पाइट भी निकल सकते हैं, लेकिन ये देख लें आप प्योर बजरी की फीमेल, तो ये इस तरह की अगर फीमेल होगी तो वो भी प्योर बजरी कहलाएगी। ये जब बजरी बच्चे देते हैं तो इसमें लाइट कलर के अगर बच्चे निकले यानी कि लाइट कलर से मुराद लाइट स्काई ब्लू जो है लाइट कलर, उस तरह का अगर बच्चा निकल आता है वो डिज़ाइनिंग तो उसकी सेम ऐसी होगी जैसे कि सामने मेल बैठा हुआ है, बट उसको हम बजरी नहीं कहेंगे यानी कि प्योर बजरी नहीं कहेंगे, उसको हम एग्जीबिशन बर्ड कहेंगे। ये दूसरी टाइप हो गई बजीज बर्ड में, उसको हम कहेंगे एग्जीबिशन बर्ड। यानी एग्जीबिशन से मुराद ये है कि हम उन्हें नुमाइश में रख सकते हैं, उनके रेट्स थोड़े इनसे डिफरेंट है, इनसे थोड़े महंगे हैं वो प्योर बजरी से, तो वो चांस होता है निकल आते हैं। जब से मैंने रखे हैं तो वो दो निकले हैं जो के दोनों मर गए हैं। एक कल मरा है, उसके ऊपर एक चूहे ने हमला कर दिया था, चूहा उसके पिंजरे में घुस गया था। तो खैर एनी होता रहता है, सैड न्यूज़ थी ये, मुझे खुद को काफ़ी बुरा लगा जब उस बेचारे को मार दिया उस चूहे ने। तो उस स्काई ब्लू कलर का अगर बजरी होगा इसी डिज़ाइनिंग में, उसका हम एग्जीबिशन बर्ड कहेंगे। पाकिस्तान में तो उसे बजरी कहते हैं, बट अदर कंट्री या आप दूसरे किसी एरिया में जाएंगे तो उसको एग्जीबिशन बर्ड कहेंगे। अब दूसरी किस्म आपको बता दी, अब आप तीसरी किस्म पे आ जाते हैं। तीसरी किस्म पे ये सामने आप देख लें, दो या दो से ज़्यादा किस्म के मिक्सअप कलर को यानी कि मिक्सचर कलर कह लें या मिक्सअप कह लें, जैसे कि ये सामने मेल बैठा हुआ है, दो या दो से ज़्यादा, इसमें देखें ब्लैक भी है, येलो भी है और ग्रीन भी है, तो ऐसे बर्ड को या ऐसे बजरी को हम प्योर बजरी नहीं बल्कि पाइड कहेंगे। यानी कि पाइड से मुराद के दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्सचर कह रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा कलर के मिलाप को आप पाइड बजरी कहेंगे। दो या दो से ज़्यादा कलर के बर्ड को आप पाइड बजरी कहेंगे। ये आप सामने देख लें, ये एक ये बजरी बैठा हुआ है ब्लू वाइट वाला, ये वाला सामने वाला, पीछे रेड है, रेड ही एक अलग नस्ल है। लेकिन दो या दो से ज़्यादा कलर जब बर्ड में होंगे बजरी में तो वो पाइड कहलाएगा। जैसे कि सामने मेल बैठा हुआ है और एक मेल ऊपर बैठा हुआ है, उस तरफ वाला जो कि पिंजरे की दीवार के साथ बैठा हुआ है, ये फ्रंट जो ऊपर बैठा हुआ है ये भी बजरी है, बट इसे पाइड कहेंगे।
ये तकरीबन इसमें चार कलर हैं फ्रेंड्स। ये देखें, ये सामने दो कलर का भी बजरी है, यानी कि ब्लू और वाइट कलर का भी है बजरी, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा कलर का है, तो इसे भी हम पाइड की कैटेगरी में शामिल करेंगे। ये जो दोनों वाइट बैठे हुए हैं, ये दोनों के दोनों पाइड हैं, और जो सामने आपको नज़र आ रहा है इनके बराबर में बैठा हुआ, ये प्योर बजरी का बच्चा है। तो ये तीसरी टाइप हो गई बजरी बर्ड की। इसी किस्म पे चलते हैं, आपको एक पीछे एक येलो कलर का बर्ड नज़र आ रहा है, येलो बजरी। तो फ्रेंड्स इसको रेड आई कहते हैं, रेड आई इसलिए कहते हैं कि इसकी जो आईज़ हैं वो ब्लैक नहीं हैं, वो रेड हैं। अगर फोकस हो सके तो दिखा दूंगा आपको, ये देखें इसकी जो आईज़ हैं वो रेड हैं। फोकस हो जा, इसकी आईज रेड हैं इसलिए इसको रेड आई कहेंगे। रेड आई उस सूरत में हम उस बर्ड को कहेंगे जब वो फुल येलो कलर का हो या फुल वाइट कलर का, उसे हम रेड आई कहेंगे। चुप चुप फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये प्योर बजरी हैं, बट अगर ये रेड आइज होते, यानी कि इनकी जो आँखें हैं वो लाल होती, तो ये सारे फैलो कहलाते। फैलो महंगे हैं बजरी से, तो फैलो की पहचान यही है कि उसकी डिज़ाइनिंग जो है ये हल्की ब्लैक डॉट्स होंगे, यानी कि इस तरह से बजरी, प्योर बजरी की तरह, और लगेगा भी बजरी, लेकिन उसकी आँखें जो होंगी वो रेड होंगी। तो ये क्रस्टेड हैं, ये देखें इसके सर पे ताज बना, और इसके आईज़ जो नज़र नहीं आ रही, तो ये फूल नुमा इसके सर पे ताज बना होता है। ये बर्ड क्रस्टेड बर्ड कहलाते हैं, क्रस्टेड बजरी कहलाते हैं, ये भी बजरी की किस्म है। और दूसरा एक टफ्टेड होते हैं, वो टफ्टेड की मैं बता चुका, सिरी के ऊपर एक थोड़ा सा पर होता है, उसे टफ्टेड कहते हैं।